गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं और सिंपी निकले हैं, शायद अरसों में ऐसा मौका आता है, क्योंकि आज घर में छोटी आई हुई है तो बउआ को उधर सुला के आ गए हैं, बउआ यानी आन्या को। तो हम लोग आज निकले हुए हैं बाहर टहलने के लिए, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो हम सोचे क्यों नहीं थोड़ा आराम से आज घर चलते हैं। तो देखो दोस्तों कितना अच्छा, हे सूर्यदेव धन्यवाद आप खिले, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। देखो ये गिफ्ट देने वाली है और सूंघ रही है खुद, गिफ्ट देते हुए थोड़ी ना सूंघते। इतना अच्छा फ्लावर खिला है ना, इतना रोज खिला है ना, बस को बजाने से तो हमने तोड़ दिया है, सोचना क्यों है। दोस्तों हमारे दिमाग में जो कंफ्यूजन था गुड़गांव छोड़ के जाने का या गुड़गांव में रहने का, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। आज देखते हैं अगर कुछ क्लैरिटी आ जाए। बट मेरा परसेंटेज ऑफ चांसेस यहाँ रहने का मन जो है वो कुछ ज़्यादा है, इट वॉज मोर 50-50, बट अभी लगता है 70-30 हो गया। क्लैरिटी जो है ना, अगर नहीं हो दिमाग में तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, अब क्लैरिटी मिल जाए तो चलिए डिसीजन हम आपको अपना सुना देंगे। अरे सिंपी कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखो देसी रोज है, ये गुलाब इधर सारा सा गुलाब, वाओ उधर देख उड़हुल फूल, कितना खूबसूरत फूल लग रहा है सिंपी। आज तो सही में मॉर्निंग वॉक जो है ना अपना सफल हो गया। सुबह सुबह जब तुम टहलने निकलो ना और नेचर के साथ इस तरह से जब आप मुलाकात करते हो तो यार मतलब इतना प्लीजिंग है, इतना सुंदर है, मतलब ये कैमरा और ये सब क्या ही बताएगा यार। बहुत जल्दी आज नहा लिए, बोलना भी नहीं पड़ा है। दीदी आज वहां से नहा के एकदम रेडी है। आज देख रही हो तुम्हारे बर्थडे में सबसे पहले बोला निकलो यहाँ से। देखो भाग रहा है, भाग रहा है। कैसा है भाई, रोज रोज बचा के रख रहे हैं, रोज रोज बचा के रखे थे। बताओ यार ढंग से, रोज भी मिला और लोग ले भी नहीं रहा है। मतलब जब भी घर में कोई त्योहार हो ना तो उस दिन मेड नहीं आती है, तो आज छोटी का बर्थडे है तो आज मेड आई नहीं। और इधर घर में जो है सब लोग मिलके काम कर रहा है, सफाई फाई चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ब्रेकफास्ट का बीड़ा उठा लूँ। संडे है तो संडे को तो वैसे भी हम लोग ब्रंच ही करते हैं, तो अभी मैं इधर बना दिया हूँ गर्मा गर्म इडली, ये बनाया मैंने सांभर, अच्छा लग रहा है ना। तो अभी हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट और उसके बाद मेरे को और सिंपी को निकलना है मार्केट। तुमको खाना है ना इडली? हाँ हाँ तुमको भी इडली, अरे इसको भी इडली खाना है यार। चलो बेटा आ जाओ, ब्रेकफास्ट इडली 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 इडली, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाना है ना इडली है ना। ब्रेकफास्ट कह लो या ब्रंच कह लो, हमारा हो गया कंप्लीट। अभी और मैं और सिंपी जा रहे हैं बाहर, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं फर्नीचर के शॉप और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे डायरेक्टली सदर बाजार। तो अभी हम लोग जस्ट निकले हैं और जो हमारा बालकनी वाला चेयर था उसमें कुछ प्रॉब्लम था, उसको जा रहे हैं अभी ठीक करवा रहे हैं। काउच हमने लिया हुआ था वो लेंगे और उसके बाद तुरंत हम लोग फटाफट वहाँ से निकलेंगे सदर बाजार। मौसम जब अच्छा हो ना तो ऑटो में जाने में बहुत मज़ा आता है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं सदर बाजार के लिए गुड़गांव वाला से, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा लो। जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। तो चलते हैं सदर बाजार और तो थोड़ा बाहर का नज़ारा भी आप लोग देख लीजिए। तो दोस्त हम लोग पहुंच गए हैं सदर बाज़ार और ये काफ़ी क्राउडेड मार्केट रहता है, आप देख सकते हो अपने चारों तरफ
बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पे आपको मतलब यहाँ पे हीरा छुपा हुआ है दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा वैसा दुकान। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, ये काफ़ी फ्ली मार्केट एरिया है, बट यहाँ पे कुछ कुछ कॉर्नर्स में नुक्कड़स में बहुत अच्छे अच्छे दुकान है। यहाँ खाने का भी बहुत अच्छा एक जगह है छोले कुलचे का, बट हमारा आज पर्पस वहाँ जाने का नहीं है, हमारा पर्पस है आज कुछ सामान खरीदने का होम फर्निशिंग से रिलेटेड। तो बहुत देर तक ऐसे व्लॉगिंग नहीं कर सकता, लेकिन आपको दिखाता हूँ कुछ। दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं सदर बाजार में पर्दे की दुकान पे, और अभी भैया को हमने बोला हुआ है कि हमें बेस्ट ऑफ डिज़ाइंस दिखाएं, तो अभी काफ़ी सारा डिज़ाइंस हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग बहुत सारा कलेक्शंस जो है यहाँ पे चेक कर रहे हैं। फिलहाल आपको जस्ट एक झलक दिखा दूँ, तो इसमें पर्दा का बहुत अच्छा वेराइटीज है, तो आपके मेरे पीछे भी दिख रहा होगा वो उतना कलेक्शन नहीं है अभी, लेकिन अभी बहुत सारा कलेक्शन है। तो अभी इसमें से हम लोग कुछ फाइनल करेंगे, हाँ चाय लेंगे और उसके बाद फिर करेंगे अपना बाकी का। तो फिलहाल इनके यहाँ अभी हम लोग आए हैं पर्दा लेने, 5-6 सिलेक्शन हमने किए हैं, 2-4 हमें पसंद भी आया, ये नहीं मिला, और अभी कुछ फाइनल करके हम आपको दिखाएंगे घर चल के कि हमने क्या फाइनल किया। तो फाइनली दोस्त हम लोग शॉपिंग कर चुके हैं, पर्दे जो हमें लेने थे वो हमने ले लिए, बहुत बार्गेन करना पड़ता है यार यहाँ पे। घूमने के बाद हम काफी थक चुके थे, तो हम सीधा पहुंचे रेवाड़ी स्वीट शॉप, और वहाँ हमने ट्राई किए छोले भटूरे और रसमलाई। रसमलाई ठीक था, छोले भटूरे बहुत अच्छा। तो अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है 2 रसमलाई, खाते हैं फिर निकलेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग फटाफट खा लेते हैं रसमलाई। तो हम लोग सदर बाजार के रेवाड़ी स्वीट में बैठे हैं, रसमलाई खाया, और अभी इधर से समोसा और बाकी सब चीज़ पार्सल करा के हम लोग निकल। फाइनली हम लोग अब निकल रहे हैं सदर बाजार से, मतलब हेक्टिक तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही दुकान गए, वहीं से सारा सामान लिया। टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि बहुत सारा ऑप्शंस था, जिसको एक देखने के बाद दूसरा पसंद आ रहा था, दूसरे के बाद तीसरा, तो थोड़ा सा उसमें हमें टाइम लग गया। इनफैक्ट घर नहीं, अभी हम लोग जा रहे हैं फर्नीचर वाले भैया के पास, वहाँ पे शायद वो पॉलिश कर चुके होंगे, तो पॉलिश करने के बाद फिर हम लोग चलते हैं घर, और फिर मिलते हैं घर पे, पीते हैं चाय कुछ। दोस्तों ऑटो करके अब हम लोग निकल चुके तो दोस्तों ऑटो करके हम लोग अब निकल चुके हैं, और अभी पहुंचने वाले हम लोग फर्नीचर के शॉप, वहाँ पे पॉलिशिंग करना बचा हुआ था, तो वो भैया पॉलिशिंग करके अब हमारा सामान जो है वो रेडी कर चुके होंगे। दोस्तों हमने ये काउच लिया हुआ है घर के लिए, फाइनली हमारा शॉपिंग जो है यार मेरे तरफ से तो हो गया कम्प्लीट, मैं कुछ नहीं करता। दोस्तों हम लोग फर्नीचर के दुकान में है, तो इधर देखिए क्या कौन आया है, खरगोश इसके लिए आया, गोभी पता नहीं, गोभी खाने के लिए लाया या इसके लिए लाया, यही तो भाग जाएगा, ये हमारा एक नन्हा सा दोस्त, ये देखो खरगोश नहीं काट जाएगा, बोलो नहीं काटेगा। अन्या तुम्हारे लिए बेटा, देखो क्या है ये खरगोश, खरगोश को क्या बोलती है, खरगोश बेटा तुम्हारा भैया तुम्हारे लिए गाजर लेके नहीं आया, गोभी खा लो यार। हम लोग वेट कर रहे हैं ऑटो का, ये बेसिकली हम लोग वेट कर रहे हैं जिसमें हम ऑटो का जिसमें सामान लदवाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पता नहीं यार कब आएगा, जल्दी जल्दी निकले घर में। अन्या जो है उसको छोटी के ऊपर छोड़ के आए हैं, ऐसे उसको छोड़ के आना भी अच्छा बात नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे कि इतना टाइम लगेगा, बहुत लेट हो गया, 7 बज गया। तो फाइनली दोस्त हम लोग आ गए अपने घर और शॉपिंग हो गया कंप्लीट अभी तक का। देखो अन्या तुम जग गया, अब तुम भी जग गई सोना बाबू, क्यों है अले क्यों है छोटा बेबी सुनाए, हाँ तुम सुना दो। येलो कलर का पैंट, येलो कलर का
मुड़ मुड़ के सुनाएगी, सुनेगी कि नहीं? बहुत वेरी गुड। एक रानी उसका रानी भी सो जाती थी, उसका पापा का सो। सिंपी एक और आएगा तो बहुत प्यार करेगी तुम्हारी बेटी। दोस्तों अभी कोई प्लान नहीं है, आप लोग ज्यादा मत सोचिए। तुमको काहे दुख हो रहा है? कौन सा कपड़ा है? कभी पहनी हो तुम? देखो आन्या को देख के इसको आराम हो गया थोड़ा। देखो कितना खुश है बेटा तुमको देख के। देखो गाइस अभी हमने अपना खाना खा लिया और अभी एक ब्लॉग भी अपलोड कर दिया है। उधर छोटी की बाबू जो है वो बहुत ज्यादा रो रही है और आन्या अलग से परेशान है। तो फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को थम्स अप एक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं हम आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। Hey, I got something, something to say. I'm just so sick of hearing that.